1931 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ मोतीलाल नेहरू का निधन हुआ था। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के सबसे मशहूर वकील और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। स्वतंत्रता आंदोलन में मोतीलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल अपनी जिंदगी की शानो शौकत को पूरी तरह से ताक पर रख दिया बल्कि देश के लिए परिजनों सहित अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अमृतसर में 1919 के जलियांवाला बाग गोलीकांड के बाद उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी वकालत छोड़ दी। वह 1919 और 1920 में दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1928 में उन्हें भारतीय संविधान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इसी आयोग ने नेहरू रिपोर्ट भी पेश की थी। मोतीलाल नेहरू ने आज़ादी के आंदोलन में भारतीय लोगों के पक्ष को सामने रखने के लिए इंडिपेंडेंट अखबार भी चलाया। 1942 में आज ही के दिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर में मौजूद ब्रितानी सेना ने जापान के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया था। तत्कालीन ब्रितानी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सिंगापुर के पतन को ब्रिटेन के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी और आत्मसमर्पण करार दिया था। जापानियों ने ब्रितानी साम्राज्य के करीब 60,000 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था। उनमें 16,000 ब्रितानी, 14,000 ऑस्ट्रेलियाई और 32,000 भारतीय सैनिक शामिल थे। जापानी सैनिकों ने भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार पर भी कब्जा कर लिया था, जिसके बाद जापानी सेना बर्मा होते हुए भारत की सीमा तक पहुंची थी। प्रशांत क्षेत्र में जापानी सैनिकों की बढ़त पर आखिरकार जून में रोक लग गई, जब अमेरिकी सेना ने जापान के 4 विमान वाहक युद्धपोतों को नष्ट कर दिया था। 1944 में बर्मा के रास्ते भारत पर हमला करने के जापान के इरादों को ब्रितानी सेना ने असफल कर दिया था। 1952 में आज ही के दिन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन की गद्दी संभाली थी। तब वह महज 26 साल की थी। एलिजाबेथ की केन्या यात्रा के दौरान उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, जिसके बाद एलिजाबेथ को ब्रिटेन की महारानी घोषित किया गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले लोगों में शामिल हैं। पिता के राजा बनने के साथ एलिजाबेथ बकिंगम पैलेस में रहने आई। दूसरे विश्व युद्ध में 18 साल की उम्र में वह नेशनल सर्विस में शामिल हुई और सेना में ड्राइवर बन गई। 1947 में अपने दूर के रिश्तेदार नौसेना कमांडर फिलिप माउंटबेटन से उन्होंने शादी की, जिन्हें ग्रीस और डेनमार्क का प्रिंस घोषित किया गया। 1989 में आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान से वापसी की थी। दरअसल 1979 में तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव ने अफगानिस्तान में नजीबुल्ला के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार की मदद के लिए सेना भेजने का फैसला किया था, लेकिन सोवियत संघ के इस फैसले के विरोध में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अफगान मुजाहिदीन को लड़ाई करने के लिए तैयार कर दिया। अमेरिका ने पूरी दुनिया से इस्लामी लड़ाकों को जमा कर उन्हें हथियार और पैसे दिए और सोवियत सेना के खिलाफ युद्ध करने के लिए अफगानिस्तान भेजा। सोवियत सेना और अफगान मुजाहिदीन के बीच हुई जंग में करीब 10 लाख लोग मारे गए और उससे कहीं ज्यादा लोग देश छोड़कर पाकिस्तान और दूसरे देश चले गए। इस लड़ाई में लगभग 15,000 सोवियत सैनिक भी मारे गए थे। और 1996 में आज ही के दिन ब्रिटेन में प्रतीक्षित रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई कि 80 के दशक में ब्रिटेन ने इराक को हथियार किन हालातों में दिए और इसके लिए कौन से मंत्री जिम्मेदार थे। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सर रिचर्ड स्कॉट ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में 3 साल लगाए थे। अपनी रिपोर्ट में जस्टिस स्टॉक ने ब्रितानी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने हथियार निर्यात कानून में बदलाव की जानकारी संसद को नहीं दी थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता रॉबिन कुक ने मांग की थी कि जांच रिपोर्ट की सिफारिश को पूरी तरह लागू किया जाए, लेकिन 1997 में सत्ता में आने के बाद लेबर पार्टी ने स्कॉट रिपोर्ट की किसी भी सिफारिश को लागू नहीं किया था।